कौन जा बिहारी गाओ राधा माधव जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वर धारी जय जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वर धारी गोपी जन बल्लभ जय गिरि वर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय Oh,
आनंदे ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनका जीवन चरित्र एवं उनका जीवन में जब जब उनको कोई विपत्ति पड़ी कैसे भगवान ने हर समय भक्तों को रक्षा करते हैं, महाप्रभु ये चीज को उन्होंने प्रमाणित किया। और बोलते बोलते उन्होंने श्री श्रीधर जी का कथा उन्होंने सुनाए कैसे श्रीधर जी श्रीधर को साथ में महाप्रभु वो नहीं देने पर भी उनसे जोर जबरदस्ती उनसे महाप्रभु ग्रहण करके उनको ऊपर में कृपा महाप्रभु करते थे। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जतो देखो वैष्णवर व्यवहारी दुख निश्चय जानिए सही परानंद सुख। वैष्णव लोगों का जो व्यवहारिक रूप में जो दुख देखते हो ऊपर से कहते हो दुख नहीं निश्चय जानिए सही परानंद सुख कहते निश्चित रूप में समझना ये परम आनंद है। ओ भक्त लोग दुखी नहीं भक्त लोग दुखी नहीं। इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि उनको हाथ की मुट्ठी में रहते हुए भी भक्त लोग ये अष्ट निधि नवनिधि को नहीं चाहते हैं और भगवान से केवल भक्ति प्रार्थना करते हैं और भगवान का प्रेम को ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद गतकल्य हम लोगों ने श्रवण किया था साधारण लोगों का भावना किया है अरे भक्तों के पास में बहुत पैसा होनी चाहिए लेकिन कभी कभी पैसा को परिवर्तन में उनको अभाव दिखता है, हैं? जैसे घर में खाने के लिए कुछ है नहीं रोज रोज जो भिक्षा सनातन गोस्वामी क्या करते थे सनातन गोस्वामी कहाँ प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन जब छोड़ कर आए वृंदावन में भजन करते थे कैसे उनको भजन पद्धति थी वृंदावन से रोज गिरिराज गोवर्धन जाते थे
पूरा गिरिराज की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते हुए मथुरा में आते थे। मथुरा में ब्राह्मणों के घर में माधु कर लेते थे, फिर वृंदावन में आकर के तभी कुछ ग्रहण करते थे। करी करी दिन में कितना मील, कहते करी करी 50 मील मथुरा से चल चल कर कहाँ जाना, ये वृंदावन से चल चल करके कहाँ जाना, गोवर्धन कितना किलोमीटर है, इसलिए करी करी 20 किलोमीटर होगा है। इसलिए चल चल करके फिर पूरी परिक्रमा लगानी, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर फिर वापस आना है, है? गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वो भी कितना होगा, 20, 21, 22, 24 किलोमीटर है, उसकी पूरी परिक्रमा लगाना। परिक्रमा लगा करके फिर कहाँ आना, वृंदावन में आना, नहीं मथुरा आना। मथुरा में चौबे को घर में माधुगिरी लेना, वहां से माधुगिरी लेकर के आना कहाँ, वृंदावन में, फिर जाकर भोजन करेंगे। ऐसे हम लोग अगर 10 किलो 5 किलो अगर चलना पड़ जाए ना, फिर तो हम लोग चित्तपात हो जाएंगे, 5 किलोमीटर है। लेकिन उसी समय में, उसी समय जो लोग का जो जान था ना, हमारी जैसे नहीं, इतने नाटे से हम लोग धीरे धीरे लोग तो नाटे होते जा रहे हैं। तुम्हारे अपना पिताजी को देखना कितने लंबे होंगे, हमसे ज्यादा ज्यादा लंबे, उनको पिताजी के देखना उनको ज्यादा करके 6-7 पीढ़ी पहले वो थे हमारे। वो प्रभु जी को देखो क्या नाम, आप अपना की नाम है क्या ना, हाँ उनको देखो, उनको लंबाई चौड़ाई देखो, और हमारे जो गौर प्रभु का लंबाई चौड़ाई देखो, और हमारे श्रुतिधर प्रभु का लंबाई चौड़ाई देखो, हैं ये हमारे जैसे पिताजी के, और इनको भी देखो। इसलिए धीरे धीरे लोग है ना, धीरे धीरे लोग दिया क्या, धीरे 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 लोग घटते जा रहे, नाटा होते जा रहे। और महाप्रभु का से कितना 5.5-6 साल पहले, तो लोग कितने होंगे जानते हो, ये जो घर है ना, ये घर से भी लंबे ज्यादा होंगे है, इसलिए इनसे भी ज्यादा। इसलिए आप मंदिर में महाप्रभु का चरण देखो, इतने बड़े बड़े चरण है, चरण कितना महाप्रभु का, इतने बड़े चरण है, कितने महाप्रभु का चरण बड़ा लंबा था, इसलिए उसी हिसाब से लोग होते थे। इसलिए उनको चलने में ना, अभी तो हमको एक टाइम भोजन नहीं करे, एक दिन ही अगर भोजन नहीं करते तो दूसरे दिन सोते रह जाएंगे, लेकिन पहले लोकांतर में अभी भी जान है जो परिश्रम करते हैं, 2-3 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, हैं 3-4 तक बिना खाए काम धंधा सब कर सकते हैं, लोग अंदर में ऐसे ताकत थी। इसलिए वो इतने परिक्रमा करके वृंदावन में आकर तभी जाकर के भोजन करते थे और भजन करते थे। भैया जो इतने बड़े जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो घर से कुछ पैसा नहीं मंगा सकते थे, प्रश्न है, पर वो घर से क्या कुछ पैसा नहीं मंगा सकते थे, पैसा ला करके रख लेते, कहते अरे क्या जरूरत है, दूसरे घर में मांगने का क्या जरूरत है, कुछ पैसा मंगा दो रह जाएगा, फिर तो क्या होगा, इसको ही खाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये काम को उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया, माधुगिरी करके अपना जीवन निर्वाह किया, और भगवान की उन्होंने साधन भजन किया है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भक्तों का ऐश्वर्य का परिवर्त में उनको जो अभाव दिखता है, बोले स्वास्थ्य का परिवर्त में जो अस्वस्थ दिखते हैं, भक्तों को देखनी चाहिए स्वास्थ्य, लेकिन कभी कभी भक्तों के अंदर में बड़ी बड़ी बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारी कभी कभी दिखती है, कहते उनका जो अस्वस्थ देखते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी को पर्यटक महाराज प्रश्न किया, बोले क्यों कभी कभी वैष्णव में की बीमारी क्यों दिखती है, कारण क्या है, तब हमारे गुरु जी ने कहा देखो कभी कभी सेवा दूसरों को देना चाहते, अगर स्वस्थ रहेंगे तो उन्हें कोई सेवा ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरु जी जब उम्र हो गए, जब पूरी में थे ना, सभी के लिए 2-2 घंटा जितना हम मंदिर का जितने शिष्य लोग थे, गुरुदेव ने बोले सब व्यक्ति मेरे पास में 2-2 घंटा रहेगा है, सब भक्त मेरे पास में 2-2 घंटा गुरु जी के पास में रह करके हम लोग गुरु जी के पंखा झुलाना, चरण की सेवा करना गुरु जी की। इसलिए अंतिम समय में गुरुदेव ने ऐसे उन्होंने सेवा ग्रहण करते हुए जीवों को उन्होंने कल्याण किया है। इसलिए धन का परिवर्तन में उनका अंदर में दारिद्र दिखता है, हैं? दिखता है जैसे ये दरिद्र, इनके घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, जैसे सुदामा है, सुदामा दरिद्र है, निर्धन है, दरिद्र है। विदुर जी साधारण घर में थे, हैं? सबरी कैसे, सबरी जंगल में किसी तरह से फल फूल संग्रह करके वो भजन करती थी, सबरी ऐसे करती थी सबरी।
इसलिए दिखता है ही, और विशेष करके हमारे जितने गोस्वामी लोग तो एकदम कौपिनी कंथा श्रित हो, एक कौपिनी और एक कंथा है कमंडल, उसको लेकर जिंदगी भर उन्होंने हाँ धाम में रहते हुए ऐसे उन लोगों ने भजन किया। कहते पांडित का परिवर्तन में मूर्ख था है, इसलिए दिखता है अनपढ़ है, लिखा पढ़ा है ही नहीं, उनके अंदर में कोई लिखा पढ़ा स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, उनके अंदर में मूर्खता दिखती है, लेकिन मूर्खता देखने पर भी बड़े बड़े विद्वान। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब उन्होंने नवद्वीप में रहते थे, उस समय में नवद्वीप में एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम प्राण गोपाल था, उसी समय नवद्वीप में गन्ने माने हुए बड़ा विद्वान था, पंडितों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। लेकिन एक बार वो भागवत कथा कर रहा था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोले देखो पंडित जी भूल बोल रहे हैं, पंडित जी भूल बोल रहे हैं, क्योंकि जो आखरी की जो विद्या है, आखरी की जो विद्या है, अगर कोई सोचे नहीं हम सारे संस्कृत जो पढ़ लेंगे ना पूरा संस्कृत भाषा में हम बात करेंगे, संस्कृत जब पूरा हो जाएगा ना पूरा, तो शास्त्र को हम समझ लेंगे पूरा के पूरा है, पूरा के पूरा समझ लेंगे। कहते नहीं भैया, संस्कृत से हम शास्त्र नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? भक्ति से। कैसे समझ सकते हैं? भक्ति से। इसका मतलब क्या संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कोई सोचे केवल आखर की विद्या से पांडिताई से हम सब समझ लेंगे, नहीं एकदम है नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं तो गीता का इतना टीका क्यों है? गीता का इतना टीका क्यों? एक गीता भागवत की कितनी टीका क्यों? कारण क्या है? इसलिए जाओ भागवत पढ़ा, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। इसलिए जो शास्त्र है कहते जम वैश्य वृणुते तेन लभ्य तसे से आत्मा विवृणते धन्य स्व। इसलिए भगवान कृपा करके जिसको पास में अपने आप को प्रकाश करते हैं, भगवान को वही समझ सकते हैं। विद्या पांडित को द्वारा भगवान को हम नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभुपाद का समय में एक बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान है, सब लोग जानते थे ये बड़े विद्वान आदमी है, बड़े विद्वान, संस्कृत में धुरंधर पंडित था। एक बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, वो आया भागवत कथा सुनने के लिए प्रभुपाद से, बोले बोले प्रभुपाद आप मेरे को आदेश दो, हम जो पंडित है ना जो उनके पास में हम भागवत कथा सुनना चाहते। प्रभुपाद बोले ये पंडित भागवत का भय नहीं जानते इसलिए भगवत का भय नहीं जानता है। हाँ भागवत सुनोगे जाओ वो खेती में चले जाओ, वैष्णव दास है, वो खेती में क्या करता है? दिन भर खेती करता है, हैं बैगन पेड़ लगाता है, उसमें साग सब्जी लगाता है, फूल का पेड़ लगाता है, दिन भर क्या करता है? दिन भर हाथों से ठाकुर का सेवा करता है और मुंह में हरिनाम करता था, मुंह में हर समय हाथों से सेवा करता था दिन भर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से हरि नाम करता था। बोले भागवत कथा सुनना तो उनको पास में जाकर कथा सुनो। अभी वो चले गए वहां पर और वो सब जानते ही है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बड़ा पोस्ट में, और उन्होंने आकर प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम किया, बोला बोला आप क्या कर रहे हो, मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले प्रभुपाद आपको पास में भेजा भागवत सुनने के लिए। मैं क्या भागवत सुनाऊ, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, खेती में दिन भर काम करता हूँ। बोले नहीं, प्रभुपाद ने बोले आप ही कथा सुनाएंगे, अभी गुरु जी ने आदेश दिया है, इसलिए गुरु जी का आदेश को हमें पालन करनी चाहिए। तो उन्होंने उनको भागवत सुनाया, क्योंकि प्रभुपाद से रोज कथा सुनते थे, प्रभुपाद से वो रोज कथा सुनते थे, जो प्रभुपाद से कथा सुनते थे उन्होंने वही कथा को उन्होंने उनको सुनाया है, वही सुनाया। देखो एक होता है ज्ञान है और एक होता है विज्ञान, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला हमने सुना, रसगुल्ला कैसे बहुत मीठा है, बहुत स्वाद है। एक व्यक्ति ने केवल सुना, लेकिन एक व्यक्ति ने खाया, एक सुना एक ने खाया। जब जो केवल सुना रसगुल्ला केवल मीठा है, हैं? जो केवल सुना ही रसगुल्ला केवल मीठा ही है, अब उसको बोलो भैया रसगुल्ला कैसे है, वो क्या बोलेगा? बोले मैंने सुना रसगुल्ला बड़ा मीठा है। लेकिन अभी जो रसगुल्ला खाया है ना,
उसको बोलो भैया रसगुल्ला कैसे, वो बोलते ना उसको मुंह में पानी आ जाएगा, हैं? उसको मुंह में पानी आ जाएगा। बोले क्यों? कारण है उसने रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला वो खाया है इसलिए झट मुंह में पानी आ जाएगी। इसलिए कहते जो भक्ति ये अनुभूति की विषय है, ये अनुभूति की विषय है। इसलिए जब हम भक्ति करते करते जब हृदय में अनुभूति होगी ना, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते उनको पांडित्य का परिवर्तन है, उनके अंदर में मूर्खता दिखता है, हैं? इसलिए कर्म फल बादिर न्याय वैष्णव नाना भी तो अभाव पीड़ित हो, वो व्यवहार की कनौ का मैंने प्रतिष्ठा विशिष्ट मन करिया जा रहा, वैष्णव के दुखी ज्ञान करे तादर मति भ्रष्ट जानी वे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति वैष्णव लोगों को, उनके पास में कोई पैसा नहीं, वो दीनहीन रूप में रहते हैं और साधारण रूप में जरा जीर्ण रूप में रहते हैं, अगर वैष्णव लोगों को इस सब चीज को देख करके जो उनके प्रति आदर नहीं करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं उनका क्या समझना, उनका बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनका बुद्धि भ्रष्ट। इसलिए वैष्णव चिन्हित नारे देवरे सकती, देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हम लोगों ने जो इनकी जो कथा सुने, श्रीधर प्रभु जी की जो कथा हमने सुना है, कहते अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो कहते उसका फल क्या है, कहते उसका फल है उसको जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम उसको मिलेगा। क्यों? उनका जो जीवन है प्रेममय, इनकी जीवन प्रेममयी है। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, अनिंदु को है जे सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे तारीवे के हाले। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर एक सूत्र बता रहे, बहुत अच्छे सूत्र बता रहे, कहते अनिंदु को है जो सकृत कृष्ण बोले, अगर कोई व्यक्ति किसकी कहरे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से ही तारीवे के हेले। इसलिए जो व्यक्ति किसका कभी निंदा चर्चा नहीं करते, किसकी कभी चुगली नहीं करते है, अनिंदु को हैया जो सकृत कृष्ण बोले, ऐसे करके जो एक बार केवल कृष्ण बोल देगा ना, कहते अजय चैतन्य सही तारी भी कह ले। चैतन्य महाप्रभु अजय, अजय मतलब होता जिनको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन उनको कौन बसीभूत कर सकता है, उनको कौन जीत सकता है, बोले वही जीत सकते हैं जो कभी किसकी चुगली निंदा नहीं करते हुए भगवान की नाम करता है, भजन करता है, भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बताए, इसलिए किसको ईर्षा द्वेष पूर्वक, हाँ ईर्षा द्वेष पूर्वक कभी भी किसी को निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए, हाँ ईर्षा द्वेष पूर्वक निंदा चर्चा करने से, कहते तुम जिसको निंदा चर्चा करोगे ना, उसका जो दुर्गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, उसके अंदर में जो दुर्गुण, हाँ एक स्टोरी सुन लो, एक स्टोरी सुनो। बोले एक समय एक राजा ने कुछ ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, बोले आज हमारे घर में खाना है। तब राजा ने सोचा इनको पंडित लोगों को निमंत्रण दिया, बोले क्या खिलाएंगे, बोले बढ़िया खीर बनाकर खिलाएंगे, मालपुआ खीर पूरी सब्जी, हाँ जैसे होता है खिलाएंगे। तो उन्होंने एक दिन पहले दूध मंगा कर रख दिया, जब रख दिया इतने में क्या हुआ, पहले तो जैसे मकान पकान बन गया जैसे रख दो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो साधारण होता था, क्या हुआ रात में एक सांप ने आया और दूध में मुंह मार दिया। जब मुंह मार दिया, लेकिन ब्राह्मण को पता नहीं चला, अगर सांप अगर दूध में मुंह मार दिया ना, वो विष उबाल करके चले जाता है। अभी राजा को तो पता नहीं, उसमें खीर बनाया गया, खीर बना करके पूरी सब्जी खीर बनाए और जो ब्राह्मण को बुलाए थे खूब उनको भोजन कराया। अभी जितने ब्राह्मण भोजन किया ना, सबके सब राम नाम सत्य सबके सब खत्म हो गए। अभी राजा को जब पता चला ये बात, राजा तो बड़ा दुखी हुआ, इतने ब्राह्मण को, पहले ब्राह्मण ऐसे थोड़ी थे, ब्राह्मण वर्ण आश्रम को जाजन करने वाले, वेद को पाठ करने वाले, हाँ अपना धर्म कर्म में निष्ठ रहने वाले ब्राह्मण होते थे पहले। कल बोलते थे ब्राह्मण को मुंह में पहले तो आग जलता था, वो जो बोलते थे हो जाता था। क्यों? वो लोग वर्ण आश्रम को पालन करते थे, अपना ब्राह्मण धर्म को जाजन करते थे। अभी इतने ब्राह्मण की हत्या हो गया, राजा इतने दुखी हो गए, बोले हे भगवान
जितने ब्राह्मण मेरी हत्या हो गई, उन्होंने क्या किया, राजपाट को उन्होंने छोड़े और जंगल में चले गए, भजन करूंगा ठाकुर जी की, भजन करते हुए तपस्या करते हुए ये प्रायश्चित में करूंगा। जब गए अब राजा पहले दानी थे, सब ब्राह्मण को दान देते थे, जैसे किसी बेटी की शादी हो शादी करा देते थे, ब्राह्मण लोग को तो दान ही देते थे पहले। अभी जब राजा चले गए भजन करने के लिए, एक दिन एक ब्राह्मण का बेटी को शादी देने का था, उनने शादी दिलाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण को पास राजा को पास में गए कुछ धन मांगने के लिए, बोले महाराज अगर कुछ अर्थ की मदद कर दे तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी है, और कन्यादान को सबसे बड़ी दान मानते। राजा ने कहा देखो पहले तो मैं दान दक्षिणा देता था लेकिन मेरे से ऐसे अपराध हो गया, अभी ये पाप से निष्कृत के लिए मैंने यहाँ भजन के लिए आया, तपस्या करने के लिए आया, इसलिए मेरे को माफ कर दो, मैं दान नहीं दे सकता हूँ है। लेकिन जब ऐसे बोला है ना, लेकिन ठीक एक दिन पहले स्वर्ग से जो दो अप्सरी उतर करके आए, अप्सरी उतर करके जब आए, एक अप्सरी दूसरे से प्रश्न करती है, बोले तुम ये बताओ ये जो राजा है इसका जो पाप कर्म हो गया वो अनजान में, उन्होंने जानबूझ करके ब्राह्मणों को नहीं मरवाया, अनजान में ये काम हो गया, अभी बताओ इसका पाप कौन ग्रहण करेगा। वो दूसरे तो चक्र में पड़ गया, बोले बात सही है, अगर जान बुझ कर कोई अगर अपराध करता तो फिर पाप भोगना पड़ता, लेकिन ये तो अपराध अनजान से हुई है, वो कुछ आंसर नहीं दे सका। लेकिन जब दूसरे दिन आए ना, फिर दूसरे दिन जब आए, इतने में वो जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण ने राजा जब कुछ दान दक्षिणा नहीं दिया, इतने गाली उसको निकाला, बोले धूर्त पाखंडी राजा भजन करने के लिए आई यहाँ पर, इतने सारे ब्राह्मण को मरवा डाला और यहाँ ढोंग रचाने के लिए आए, तपस्या करके भजन करोगे, इतने जो ब्राह्मणों को मारा तुमने, तुम्हारा लिए तुम घोर नरक भोगना पड़ेगा तुमको, इतने उसको गाली निकला, इतना उसको गाली निकाले, बोले मेरे बेटी के लिए पैसा नहीं दे सका तुमने और इतना पाप करके मैं आ गया। वो चला गया ब्राह्मण। जब दूसरे दिन वो दोनों आए तो फिर एक दूसरे को बोल रहा है बताओ कौन उसका पाप भोग करेगा, बोले मीमांसा हो गया है, मीमांसा हो गया, बोले क्या हो गया, बोले एक ब्राह्मण ने आकर के उसको बहुत गाली गलौज करके आए, इसलिए इसका पर जो पाप था ना वो सारे पाप किसको पर चला गया है, वो सब के सब ब्राह्मण को पर चला गया, राजा का सारे पाप उसको प्रति चला गया, ये मुक्त हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनिंदु को है जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उधार भी कह ले, इसका मतलब है कभी किसकी निंदा चर्चा नहीं करते हुए क्या करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर कह रहे हैं कहते एक साधारण व्यक्ति को निंदा करने से जितने पाप लगता है, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं लेकिन जब किसी वैष्णव को निंदा करे ना उसके 100 गुण ज्यादा पाप लगता है, क्यों, जो वैष्णव है ये लोग भगवान की भक्ति करने वाले, साधारण और निंदा से वैष्णव का निंदा ज्यादा ही खतरा है। अभी उसको बाद में आता है ये दसम अध्याय का, दसम अध्याय में यहाँ पर कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे यहाँ श्रीधर जी को ऊपर कृपा की है, फिर उन्होंने श्रीवास जी को ऊपर में कृपा किया है, फिर उन्होंने और किसको ऊपर कृपा की, बोले गंगा दास को ऊपर में उनका भी जीवन चरित्र सुनाए। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु दसम अध्याय में श्री मुरारी को ऊपर में उन्होंने कैसे कृपा की, ये मुरारी की कथा आती है। कहते महाप्रभु ने बोले मुरारी को महाप्रभु ने बुलाया क्योंकि विष्णु खट्टा को ऊपर महाप्रभु बैठे हुए, बैठा करके सारे भक्तों का चरित्र को एक एक कर बता करके उनका जीवन चरित्र को बता रहे। इतने में मुरारी को पर महाप्रभु कृपा करके बोले, बोले मुरारी देख मेरे रूप को तुम दर्शन करो। उनने किस रूप में देखा, बोले दुर्बाल दल श्याम देखे सही विश्वंभर बिरासने बसिया छे महाधनुर्धर जानकी लक्ष्मण देखे बामे ते दक्षिणे चौदिगे करे स्तुति पा नरेंद्र गणे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो क्या उसको बोलते हिंदी में क्या कहते हैं
राम दरबार उन्होंने दर्शन किया है। राम दरबार में क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु किस रूप में देखा, साक्षात भगवान राम धनुष बाण लेकर के बैठे हुए और विरासन है महाधनुर्धर रूप में बैठे हुए, और माता जानकी को उन्होंने बाम तरफ में माता जानकी को देखा और दक्षिण तरफ में श्री लक्ष्मण लाल को देखा, और उन्होंने देखा भरत शत्रुघ्न है, भरत शत्रुघ्न और जितने सारे बंदर सैनिक सबके सब भगवान राम जानकी को सबके सब स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन किया, जब उन्होंने दर्शन किया ना मुरारी, मुरारी कौन, हनुमान जी है, इसलिए महाप्रभु लीला में जब उन्होंने राम दरबार देखा देख करके तो मुरारी वहीं पर मूर्छित हो गया है, वहीं पर उन्होंने हनुमान जी की भाव में भावाविष्ट होकर वहीं पर उन्होंने बेहस हो गए। जब बेहस हो गए और इतने में उनका जब होश आया तब श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, बोले हनुमान मुरारी याद है, बोले क्या याद है, तुमने लंका जलाया था, तुमने लंका जलाया था, कहां पर गए हैं, जब देखा मैया सीता को रावण ने उठा करके ले आए और जब उनको मेघनाद ने बांध करके ले गए और उनको पूछ में कपड़े लपटा करके मिट्टी का तेल डाले और पूछ में आग लगाई। पहले मैंने बताया था ना जिस समय श्री शंकर जी हैं, शंकर जी तैयारी हो रहे हैं, हाँ कहते रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये शंकर जी के स्वरूप में मैं प्रभु राम की सेवा नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने रुद्र देह को त्याग देकर उन्होंने हनुमान बंदर का रूप धारण किया, बंदर रूप धारण करते हुए प्रभु की सेवा में तैयारी होकर आ रहे। इतने में अब देखना जब कोई पुरुष कोई यात्रा होना नहीं तो कहीं हो, कहीं अगर स्त्री अगर पुरुष कहीं अगर जाए, अगर पत्नी को पता चले जाए जे कहीं जाएंगे, स्त्रियां क्या करती हैं, पहले सज-धज कर बैठ रहती हैं, बोले मैं भी साथ में चलूंगी, क्योंकि स्त्रियां हर समय घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती, और जो बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा जो बक्स में रहे बढ़िया बढ़िया कपड़ा और जितने अलंकार हैं, पहले तो बाहर ऐसे नहीं निकल पाती थी जैसे अभी निकलती हैं, वो क्या पत्नियां चाहती हैं, हम भी सज-धज करके सुंदर कपड़ा पहन करके अलंकार गहना पहन के मैं भी पति के साथ में मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए है। इतने में जब शंकर जी तैयारी हो रहे थे इतने में मैया पार्वती बोली मेरे को भी साथ में ले चलो मैं भी चलूंगी, लेकिन शंकर जी बोले ये लीला में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बोले क्यों, जब आप जा रहे हो मैं भी चलूंगी, बोले देखो ये इसी अवतार में मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा है, मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा, ब्रह्मचारियों से स्त्री से कोई मतलब है नहीं है, बोले आप ब्रह्मचारी बनकर जाओ कुछ भी बनकर के जाओ, लेकिन मैं तो चलूंगा ही, बोले कैसे जाओगे, बोले जाओगे तो मैं आपको पूछ में बैठ जाऊंगी, आपकी पूछ में बैठ जाऊंगी, इसलिए कहते माँ कहते ये जो देवी है देवी वो हनुमान जी की पूछ में बैठे, इसलिए बोलते हैं जब उन्होंने पूछ में आग लगाया तो पूछ में कौन बैठी है, माँ देवी बैठी है, अगर पूछ में आग लगाया फिर क्या होगा, अगर देवी बिगड़ गई ना फिर तो हो गया तुम्हारे सारे काम हाँ, त्रिशूल उठा लेगी, इसलिए जब लगाया उन्होंने पूछ में आग, देवी में आग लगा पूरा लंका को सोने की लंका जला करके राख बना दिया, कहते भैया सोने की लंका थोड़ी जलती है, सोने में अगर आग लगे तो सोने जलती है, अगर सोने को आग में जलाओ तो उतना निखरता है, सोना कभी जलती नहीं वो निखरती है आग लगने पर, लेकिन कहते सोने का आग उन्होंने सोने में सोने की आग लगा दिया सोने की लंका में। यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, कहते भले ही तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, सोने की संसार तुम्हारी क्यों नहीं हो, अगर कभी राम विमुख अगर कोई हो गए ना भैया सोने की संसार क्यों नहीं हो, वो भी चल करके राख बन जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया केवल श्री विभीषण का घर छोड़ दिया, क्यों, प्रभु राम की शरण में विभीषण था, केवल एक व्यक्ति का घर छोड़े। शिक्षा देते हैं अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना तुम्हारी संसार सोने की क्यों नहीं हो भैया, जल करके राख बन जाएगा, लेकिन किसका घर बच जाएगा, शंकर जी कौन है, शंकर जी रुद्र हैं, वो क्या करते हैं, संहार करते हैं, शंकर जी का काम संहार करना, इसलिए कहते भैया दुनिया को मैं जलाकर राख बना दूंगा, अगर मेरे प्रभु की शरण में रहोगे ना बचोगे, मेरे प्रभु की शरण में रहोगे तो बचोगे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं
कहते क्यों मुरारी जी, याद है तुमने मेरे मेरे सेवा के लिए तुमने लंका में तुमने आग लगाया, याद है कि नहीं? कहते देखो तुम वही हनुमान हो और मैं वही राम हूँ। क्या लक्ष्मण का प्राण तुमने बचाया? कहले कब तुमने प्राण बचाया? जब आ रहे हो, अभी मेरे मरने का समय नहीं हुआ। तुम जमदूत ना कौन हो तुम? बोले मैं जमदूत नहीं, मैं हनुमान हूँ। बोले हनुमान जिसने आकर के लंका में जला करके राख बनाकर चला गया था, तू वही हनुमान? बोले मैं वही हनुमान हूँ। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले प्रभु की सेवा में ले जा रहे, प्रभु की सेवा में मैं ले जा रहा हूँ। हनुमान जी बाज उठा करके ले आए, ले आए तो उनको सुषेण वैद्य ने कहा देखो जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है ना वो अंतिम तक भी नहीं छोड़ता है, अंतिम समय तक नहीं छोड़ता है। शरीर में तो पूरा जो जो अस्त्र लगा है पर गहरा रूप में लगा है, हैं? बचने का थोड़ी सी चांस है, प्राण केवल अंदर में केवल थोड़ी सी श्वास चल रहा है, लेकिन बड़ा उपाय तो है लेकिन उपाय बड़ा दुर्लभ है। हनुमान जी ने कहा बताओ तो सही, बताओ तो सही। बोले देखो यहाँ से जो गंधमार्दन पर्वत है इतना दूर तक है, अगर राता राते अगर कोई जाए, अगर उसको लेकर के आ जाए ना, वहां पर विशल्यकरणी संजीवनी बूटी है, अगर उसको लाया जाए तो प्राण बच सकता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना हनुमान, है ना कि शंकर स्वयं शंकर है, हा? शंकर स्वयं है, इसलिए बोले चिंता नहीं प्रभु जी, मैं राता राते अगर नहीं ला पाया तो अब मैं मुंह ही नहीं दिखाऊंगा। इसलिए बीच में उन्होंने गए थे, वो जाते समय बीच में काल निमि आ गया, उन्होंने काम निमि को उन्होंने मारे और वहां पर जाकर राता रात उन्होंने गंधमार्दन पर्वत ले आए और उन्होंने बस लक्ष्मण का प्राण को जीवित कर दिया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मुरारी याद है तुमने कैसे श्री लक्ष्मण का कैसे तुमने प्राण कैसे बचाया? कहते लक्ष्मण का केवल प्राण नहीं, हम दोनों का प्राण बचाया, हम दोनों का प्राण बचाया। बोले कैसे? बोले जिस समय उन्होंने हाँ क्या कौन सा इसलिए जिस समय उन्होंने नागफास है, जिस समय मेघनाद ने जब उन्होंने बच गया किसी तरह से किससे शक्तिशाली से, फिर उन्होंने नागफास बंधन में राम लक्ष्मण को बांध दिया, नागफास बंधन में बांध दिए। इसलिए उसी समय में भी बोले भैया ये नागफास बंधन ऐसे है ना, जब तक प्राण नहीं छूट जाता है ये सांप छोड़ने वाले नहीं। इसलिए मेघनाथ जाकर के बोल दिया रावण को, बोले शक्ति शैल से बच गया लेकिन अभी अंतिम जो मैंने बाण प्रहार किया इससे बचने वाले कोई नहीं, जब तक प्राण नहीं चल जाएगा वो नागफास बंधन से मुक्त कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। बोले भैया अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? बोले एक तो उपाय है लेकिन वो कठिन है। बोले क्या है? बोले कोई बैकुंठ जाए। कहाँ पर जाए? बैकुंठ कोई जाए, अगर बैकुंठ से भगवान का वाहन से गरुड़ को अगर कोई ले आए तो वही गरुड़ ही मुक्त करा सकता है। हनुमान जी चले गए, हैं? हनुमान जी चले गए और वहां पर पूछ रहा था रावण, रावण पूछ रहा था अभी क्या हो रहा है, कब पता लगाओ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हैं? लेकिन जो सुख उनका जो दो दूत थे ना, एक क्या नाम था, एक सुख और एक क्या था, वो बोल रहे थे रावण को बोल रहे थे उनको पास में ऐसे कोई उनको क्या बत्रिका में ऐसे कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते, सब काम असंभव काम वो संभव कर सकते हैं, असंभव काम को। इसलिए उन्होंने रात गए और राता रात जा करके कहा बैकुंठ से उन्होंने गरुड़ जी को बुला कर ले आए, गरुड़ जी को बुला कर हनुमान ले आए, जो असंभव है वो गरुड़ जी को कहा बैकुंठ से गरुड़ जी को लाना और गरुड़ जी आकर के नागफास बंधन को जो काट दिया। मेघनाद सुन करके जब उन्होंने उनको काट दिया ना, इतने में यहाँ पर राम का जो दल था वहां पर बोले जय सियावर रामचंद्र की, हर जोर से बोलो, बोले सियावर रामचंद्र की जय, जय जयकार हो रहा था। इतने में रावण ने मेघनाथ निकल करके आगे बोले क्या इतना जय जयकार क्यों हो रहा है, मैंने जो बाण प्रयोग किया उससे कोई बचा नहीं सकते हैं। रावण सुन करके आ गया, बस ऐसे लगता है जैसे हमको चिढ़ा रहे हैं, तुम बोल रहा था
दोनों को, दोनों भैया को मार करके आए। पहले मैं तो यही सोच रहा हूँ, फिर उन्होंने सुख ने आकर बोल दिया गरुड़ जी को बुला करके ले आए। कहां से? वैकुंठ से गरुड़ बुला कर ले आए और नागफास बंधन काट दिया। मतलब कौन सा गरुड़? जिस समय में रावण कह रहा है जब मैंने वैकुंठ में भी चढ़ाई किया था, वहां से तो नारायण भाग गया और गरुड़ जा करके उसका कहां सिंहासन के नीचे छुप गया था, वही गरुड़। बोले वही गरुड़ है। बोले अभी इसको मजा चखाता हूँ। मेघनाथ ने कहा ये बुद्धिमानी का काम नहीं, एक पक्षी को पीछे घूमते रहो। हाँ, एक पक्षी को पीछे घूमते रहो, उसको बाद में हम मजा चखाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं तुमने केवल लक्ष्मण का प्राण रक्षा किया, ऐसे नहीं मेरे और लक्ष्मण दोनों को नागफास बंधन से अगर कोई मुक्त किया, तुमने ही मुक्त किया है। इसलिए और जो महिरावण वो भी राम लक्ष्मण को दोनों को ले गया था ना बलि चढ़ाने के लिए, इसलिए हनुमान वहां भी गया और वहां भी जाकर पाताल लोक में वहां भी जाकर के हैं मैया देवी को पीछे उन्होंने जाकर किया क्या, छुप कर खड़े हो गए और जो तलवार दिया ना उसी तलवार को लेकर के मही रावण को मार करके आ गए। हैं मही रावण को मार करके आ गए। इसलिए कहते भैया मैं वही राम हूं। हाँ? देखो मेरे साथ में श्री जानक दिद देखो। हैं इसलिए जिस जानक को तुम देख करके जब रावण उठा करके ले गया था, इसलिए देख करके हनुमान जी बहुत रोए। कहते माता सीता को ये दुष्ट ने उठा करके ले आया था, इसलिए उन्होंने बहुत रोए है। इसलिए तब बोले बर मांगो। महाप्रभु बोले अभी मैं प्रसन्न हूँ, मेरे से तू बर मांगो, जो बर मांगोगे सो दूंगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले मुरारी बोले प्रभु हार नहीं चाहो, हे न कर प्रभु जे न तोर गुण गाऊ, जन्म जन्म तुम्हारे जे सब प्रभु दास, जे सब प्रभु दास तासवार संग जे न है मोर पास। इसलिए ये एक भक्तों का भगवान से क्या बर मांगनी चाहिए, यहाँ पर श्री मुरारी जी शिक्षा देते हैं। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए क्या शिक्षा देते हैं? बोले मुरारी बोले प्रभु आर आर नहीं चाहो, बोले प्रभु हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, न करो प्रभु जे न तार गुणगान, इतना ही करो जैसे जिंदगी भर तेरे गुणगान करते रहो, तेरे कीर्तन करता रहो। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? भगवान की गुणगान का, ठाकुर जी की महिमा गाओ। इसलिए भगवान की महिमा गाना साधारण बात नहीं, भगवान की कथा प्रचार करना, यही तो महाप्रभु बोले प्रति घरे घरे किया माग यही भिक्षा, घर घर में जाओ भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, सारा जीवन जैसे प्रभु का गुणगान करते करते उसकी महिमा गाते गाते जैसे जीवन चली जानी चाहिए। इसे जन्म जन्म तुम्हार जे सब प्रभु दास, कहते जो व्यक्ति तुम्हारी जन्म जन्मांतर के दास है, तासवार संग जन है मोर वास, इतना ही आशीर्वाद दो क्या हो तुम्हारी जो जन्म जन्मांतर दास जैसे उसका संग हो। इसलिए मम उत्तम श्लोके जनेशु सख्य संसार चक्रे भ्रमत सो कर्म भी, भले अपना कर्म फल में जहाँ क्यों नहीं बास करूँ, क्या करूँ तुम्हारी भक्तों को साथ में जैसे संग हो। मित्रता किसको साथ में हो? तुम्हारी भक्तों को साथ में मित्रता, हमारी तुम्हारी अभक्तों को साथ में नहीं होकर के भक्तों से मित्रता हो। हैं इसलिए मेरे को यही केवल वरदान दो। इसलिए महा श्री चैतन्य महाप्रभु बोले बोले देखो भक्त चैतन्य। इसलिए यहाँ पर कह रहे और जब रामलीला में जब सीता को उधार करके लाए, जब राम भगवान राम बोले बर माग, उन्होंने क्या बोले? बोले बार बार बर माग हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। देखो करके यही बात करे, बोले बार बार बर माग प्रभु आपके चरण में मैं बार बार एक ही बर मांगता हूँ। क्या बर मांगते हो? है हरसी देहु श्री रंग। इसलिए आप प्रसन्न होकर यही दो, क्या है? हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग, आपके चरण में अहितु की भक्ति हो और जन्म जन्मांतर भक्तों का संग मिले। यही बात करी करी उन्होंने रामचंद्र को भी, उन्होंने यही बात उन्होंने रामलीला में भी मांगे, महाप्रभु लीला में भी उन्होंने एक ही चीज उन्होंने प्रार्थना किया है। बोले श्री मुरारी गुप्त की, कल इनकी एक कथा लास्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, कहते इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए? यहाँ पर कहते हैं
कभी मुरारी निंदा आए है, तब जो व्यक्ति मुरारी का निंदा करते हैं है, उनका नाम है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त नाम क्यों पड़ा? बोले मुरारी वैसे गुप्त यार हृदय एतक मुरारी गुप्त नाम योग्य है, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त रूप में जिनके हृदय में निवास करते हैं भगवान, इनके हृदय में गुप्त रूप में निवास करते हैं, इसलिए गंगा हरि नाम तारे करे संघार। इसलिए यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति मुरारी का निंदा करता है, जो व्यक्ति वैष्णव का निंदा करता है, कहते गंगा हरिदास गंगा और हरिनाम कत करे संघार है। जो व्यक्ति वैष्णव का निंदा करता है, निंदा करके गंगा में नहाने के लिए जाते हैं ना, गंगा भी वहां से भाग जाती है, गंगा भी वहां से भाग जाती है। हरिनाम जो निंदा करता है वैष्णव को, हरिनाम करते हैं, हरिनाम भी उसको ऊपर में कृपा नहीं करते हैं, हैं नहीं करते हैं, हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला अपराध है वैष्णव का निंदा। इसलिए कहते वैष्णव का निंदा करने से हरिनाम भी माफी नहीं करता है, गंगा भी स्नान के लिए जाओ तो गंगा वहां से भाग जाती है, गंगा भी डरते हैं उसके स्नान के लिए गंगा डरते हैं। इसलिए कभी किसकी निंदा बुरा नहीं करते हुए क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री मुरारी गुप्त की जय। आज है, आज दो वैष्णव का जन्म तिथि है, एक तो श्री भक्तिवेदांत श्री निष्किंचन महाराज और एक श्री राधारमण प्रभु जी है। इसलिए ये दोनों का आज आशीर्वाद, थोड़ा फूल है देखो, थोड़ा फूल ले आओ तो ये दोनों का आशीर्वाद दे देंगे। फूल अच्छी से ठीक है फूल दे दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सब उठाते दे दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति।